तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको आपको बार बार रिबूट करना पड़ता है, या तो फिर आपको सॉफ्टवेयर ग्लिच देता है। तो ये हो सकता है कि या तो लोग खुद से गलती कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है, फिर फॉल्टी गाड़ियां थोड़ी बहुत डिलीवर कर दी गई। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको देखने मिलने वाली है ओला S1 Pro, और इसके बारे में बात करेंगे इस गाड़ी जिसकी गाड़ी है वो, जिनका नाम है ऋषभ जी। आइए ऋषभ जी, तो स्वागत है आपका चैनल पर सबसे पहले। तो चलिए इस गाड़ी के बारे में हम जानकारियां शुरू करते हैं, क्योंकि अभी ओला ने एक नई गाड़ी भी निकाल दी है S1, काफी समय से उसका वेट चल रहा था। तो सबसे पहले तो आपकी जर्नी में जानना चाहूंगा कि कैसे ओला आपने सेलेक्ट करी। ऐसे रीज़न तो कुछ स्पेसिफिक नहीं था, मेन रीज़न था कि हर हफ्ते में एक्टिवा पे 500-600 रुपए का फ्यूल वेस्ट कर रहा था। ओला S1 लिया है तब से मेरा कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो गया, 10-20 रुपए पे आ गया हफ्ते का। तो यू नो दैट वाज द मेन रीज़न व्हाई आई सिलेक्टेड ओला S1 Pro। जो आपकी जर्नी रही कि आपको पहले पेट्रोल स्कूटर था, फिर आपने बोला कि यार मुझे पेट्रोल पे ज़्यादा खर्च नहीं करना तो ओला लेनी है, ठीक है, इनिशियल पेमेंट आपने थोड़ा ज़्यादा कर दिया जो कुछ समय में कवर अप हो जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन अभी भी यही रहेगा कि ओला ही क्यों, क्योंकि एथर भी मार्केट में है काफी समय से और एक अच्छी छाप छोड़ चुका है, फिर एनर्जी वन करके भी एक स्कूटर आता है जो कि बहुत अच्छी रेंज देता है। एब्सोल्युटली। तो फिर कैसे आप ओला पर ही रुक गए? सो एक्चुअली मैंने करीबन 5-6 घंटा रिसर्च किया इस पर, सारों का मैंने सारे फीचर्स वगैरह देखे, ओला का वगैरह सारे फीचर्स वगैरह देखे, एंड देन फिर मैंने रिसर्च किया कि एक्चुअली ओला ही बेस्ट माइलेज दे रहा है, अराउंड 135 किलोमीटर्स दे रहा है वो, एंड 1.4 का उसका कॉस्टिंग है। तो फिर इसलिए मैंने ओला पे सिलेक्ट किया, बाकी सबका रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद फिर पता चला कि नो ओला इज द बेस्ट वन। और कहीं ना कहीं आपको स्पीड वगैरह भी अच्छी लगी होगी गाड़ी की? स्पीड इज लाइक अ रॉकेट इसका, मतलब सुपर्ब स्पीड है इसका, हाइपर स्पीड है, रियली गुड स्पीड। तो ऋषभ जी मैं पूछना चाहूंगा कितना समय हुआ है गाड़ी लिए हुए? करीबन 4 महीने हुए गाड़ी। 4 महीने हुए, और कितना चला चुके हो? करीबन 350-400 किलोमीटर चला चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, मतलब काफी कम चली है 3.5 किलोमीटर 3.5 महीनों के हिसाब से। राइट। बट फिर भी कितना खर्चा आया होगा, कितनी बार आप चार्ज कर चुके हैं इसे? इसको मैं करीबन 7 बार चार्ज कर चुका हूँ अभी तक। फुली चार्ज करके आप चलाते हैं, लेकिन पूरा डाउन नहीं होने देते हैं? फुली डाउन कभी भी होने नहीं दिया मैंने बाइक का, बट यू नो अराउंड 50% चार्ज पे, 35% चार्ज पे मैं चार्ज करता हूँ हमेशा गाड़ी को। और किस कम्यूट के लिए, मतलब डेली यूज कर रहे हैं या फिर ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, एंड करीब कभी कभार बाहर कहीं पे जाना हो बाइक के साथ वगैरह तो यूज कर लेता हूँ। अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं लगता, देखो जैसे मैं अगर एक पेट्रोल बाइक चला रहा हूँ, मुझे इलेक्ट्रिक की तरफ जाना है ना, तो मुझे एक चीज सबसे बड़ी लगती है कि रेंज नहीं मिलेगा, और अगर मैं 100 किलोमीटर का प्लान कर रहा हूँ तो फिर तो इलेक्ट्रिक बाइक किसी काम की नहीं मुझे लगती है, क्योंकि फिर 6 घंटे वहाँ पर भी चार्ज करना है। कभी आपको ऐसा ख्याल आया है, फिर कुछ उसके भी प्लान्स है, वो मैं जानना चाहूँगा बिल्कुल। राइट। ख्याल तो आता है ऑफकोर्स कि यू नो 100 किलोमीटर वगैरह जाएगा कभी तो बाइक लेके नहीं जा पाएंगे, बट अगर कहीं पे भी 100 किलोमीटर जाते तो कोई जनरली बाइक लेके जाता नहीं है, कार में ही प्रेफर करते हैं अभी तो ट्रैवल करना। इंडिया में धूप है, बारिश भी एकदम हैवी रहता है, तो एवरीवन प्रेफर्स बाइक कार ओनली रादर देन अ बाइक। और अगर बाइकिंग पे निकलनी है तो फिर वहाँ पर जाके भी चार्ज करने के ऑप्शन? वहाँ पर जाके चार्ज करना पड़ता है, ये एक डाउनफॉल है, बट ठीक है, यू नो 2-3 घंटे में चार्ज काफी हद तक हो जाता है, अच्छा खासा। कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ी है या फिर आपने ट्राई करी कि भाई कहीं पर गए हुए हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वहाँ पर चार्ज भी लगा सकते हैं गाड़ी को, क्योंकि इसमें काफी ईजी हो जाता है ना चार्ज लगाना? राइट। सो सबको पता है कि इसका 3 से 3.5 किलोवाट का बैटरी है, तो इसको चार्ज अगर फुल फ्लेज करना है तो करीबन 30 रुपए के आसपास का खर्चा आता है मैक्सिमम। तो कोई रेस्टोरेंट वाला कभी ना तो नहीं बोला है मुझे आज तक, बट कभी ऐसी जरूरत भी ज्यादा पड़ी नहीं है कि रेस्टोरेंट वाले को बोलूं भाई मुझे 3-4 घंटे चार्ज करने लगा देना। एक घंटा चार्जिंग रेस्टोरेंट में खा रहा हूं तब तक हो जाता है आराम। अच्छा, तो आप लगा चुके हैं, मतलब ऐसा? एक बार लगा चुका हूं, बट उन्होंने कभी कुछ ऐतराज नहीं किया, उन्होंने बोला यार बिंदास लगा दे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बात है कि आप इन गाड़ियों को, मतलब हम अगर पेट्रोल के मुकाबले देखते हैं तो बोलते कहीं पर भी चार्ज नहीं कर सकते, भरा नहीं सकते हो, बट एक्चुअली ये पेट्रोल से भी ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि हर जगह आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा बट इलेक्ट्रिसिटी हर जगह मिल जाएगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बस यहाँ तक है। अच्छा, इसके अलावा अभी तो हमने इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस पेट्रोल की बात कर ली, इसके कौन से ऐसे फीचर्स है जो आपको पसंद आ रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे जो है बताए थे ओला ने? राइट। सो मेरी वाइफ एक्चुअली इज नॉट फ्रॉम पुणे, राइट, उनको कहीं पे ट्रैवल करना रहता है तो उनको रास्ते पता नहीं होता, तो जनरली वो मोबाइल फोन निकाल के उस पर GPS पे देखती है कि कहाँ पे रास्ते पे जाना है। इसपे एक फीचर अच्छा है कि यू नो GPS इसके ऊपर ही इसपे आता है, बड़ा स्क्रीन है, ड्राइविंग बारिश हो रही है वो बार बार फोन नहीं निकाल सकते, तो इसपे दिखता है कहाँ पे जाना है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर हर टू ट्रैवल। तो GPS इज एन अमेजिंग फीचर इसका। आई लव बारिश की आपने जो बात करी है, बारिश में कभी कोई प्रॉब्लम गाड़ी के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के साथ हम थोड़े ज्यादा सचेत रहते हैं। राइट राइट।
तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको लगा कि बारिश आज में तक तो मुझे कभी नहीं आया प्रॉब्लम इसमें। कभी ऐसा मन में भी नहीं आया कि यार इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो कुछ होना जाए? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं आया। एक बड़ा स्क्रीन जब दिखता है हमें सामने, राइट, वो डर लगता है, बट ओला ने वेल गारंटी वारंटी दिया हुआ है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो दे विल रिप्लेस इट। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, वैसे तो आपने कभी इसको पूरा ट्रेन किया नहीं है, फिर भी आपका लॉन्गेस्ट रन इस गाड़ी के साथ कितना रहा है एक चार्ज पर? एक चार्ज पर तो मेरा अराउंड 45 किलोमीटर रहा है ड्राइविंग का। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बैटरी एकदम लो पावर पे आने की वजह से वो फिर इको मोड में चला जाता है। अच्छा, तो उससे और 20 किलोमीटर का रेंज और मिल जाता है एडिशनल। कभी आपने रिवर्स मोड इसका इस्तेमाल किया है? बहुत बार स्लोप पे। ये गाड़ी एक्चुअली हैवी है एक्टिवा से, तो स्लोप पे अगर मुझे रिवर्स पे लेना है, मतलब स्लोप पे अगर पार्क किया रहेगा, मुझे रिवर्स में लेके वापस जाना है, तो तभी रिवर्स मोड बहुत काम आता है। हेलमेट के बारे में बात करूंगा कि इसकी डिक्की इतनी बड़ी दी गई थी कि इसमें दो हेलमेट आ जाते हैं, तो कितना यूजफुल है आपके लिए वो? एक्चुअली बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैं इसमें दो हेलमेट तो नहीं रखता कभी, लेकिन हमेशा चार्जर और मेरा हेलमेट रहता है। साथ ही साथ कई और चीजें भी इसमें आ जाती है, जैसे डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर रहता है। डॉक्यूमेंट्स अगर एक का फोल्डर रहता है तो थोड़ा बड़ा होता है और एक्टिवा के डिग्गी में फिट नहीं होता है, तो इसके ट्रंक इतना बड़ा है कि इसमें आराम से वो फिट हो जाता है। साथ में मेरा हेलमेट और चार्जर भी आराम से फिट हो जाता है। अच्छा, तो आपने दो चार्जर आते हैं आई थिंक इसमें, एक फास्ट और एक कंपनी इसके एक ही चार्जर प्रोवाइड करती है, दैट इज अ नॉर्मल चार्जर। इसका जो हाइपर चार्जर है वो अलग से खरीदना पड़ता है, कुछ 2-2.5 हज़ार का खर्चा है एडिशनल, बट वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, कहीं पे भी 2 घंटे चार्जिंग लगा दिया आराम से हो जाता है। कितना टाइम लगेगा अगर आप अभी जो आपके पास चार्जर है उसमें और हाइपर चार्जर से करेंगे? आई थिंक हाइपर चार्जर का मुझे इतना पता है कि 15 मिनट में वो 70% तक चार्ज कर लेता है, या फिर 18 मिनट्स में कुछ तो ऐसा है, या हाफ एन आवर में कुछ तो ऐसा है। इसके नॉर्मल चार्जर के 6 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो जाता है। ऋषभ जी, फीचर्स की जब हम बात कर ही रहे हैं, इसमें एक स्पीकर वाला भी फीचर है कि गाड़ी में स्पीकर इनबिल्ट है, उसका कितना आपने फायदा उठाया अभी तक? जो स्पीकर का तो कई बार फायदा उठाया, मेरा भांजा एब्सोल्युटली ही इज अमेज्ड विद द बाइक। वो इतना खुश हो जाता है बाइक को देख के, उसके दोस्तों के साथ शो ऑफ करता है, भाई मेरे गाड़ी में गाने बजते हैं। अच्छा, टू व्हीलर चलाते जाते जय जय शिव शंकर गाता है होगा। तो इसमें स्पीकर लगाकर एब्सोल्युटली हैप्पी और बहुत मजा आता है उसको। इसके अलावा कभी गाड़ी में पंक्चर का या कुछ इशू आया है अभी तक? वेल, 4 महीने में तो मुझे कभी भी कुछ भी इशू आया नहीं है इसका, बाइक का, कि पंक्चर कभी होता है कभी नहीं। बस इसका एक डाउनफॉल है बाइक का, कि मुझे बाइक चार्जिंग के बाद मुझे इसको बार बार रिबूट करना पड़ता है। ऐसा किस वजह से आपने ओला से बात करी? बहुत बार पूछा मैंने उनको और कस्टमर केयर को भी बुलाया, कस्टमर केयर तो फटाक से 15 मिनट के अंदर आ जाता है घर पे। उसको आके पूछा मैंने कि भाई चार्जिंग क्यों करनी पड़ती है, इसको बार बार रिबूट क्यों करना पड़ता है मुझे चार्जिंग? बोलता कि सर इसके अंदर दो बैटरीज है अलग अलग, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको आपको बार बार रिबूट करना पड़ता है, या तो फिर आपको सॉफ्टवेयर ग्लिच देता है एक। मेनली ग्लिच ही हो सकता है, क्योंकि ऐसा हर गाड़ी के साथ हर कोई तो नहीं करता होगा चार्ज करने, नहीं करता है, तो ये एक इसका बड़ा डाउनफॉल है कि बार बार मुझे रिबूट करना पड़ता है बाइक को चार्जिंग के साथ। अच्छा ऋषभ जी, मैं अब आऊंगा मतलब एकदम सत्य वचन की घड़ी में, कि कभी आपको डर लगा, क्योंकि ओला के बहुत सारे न्यूज़ आते थे कि जल रही है या ये हो जा रहा है, कुछ हादसा हो रहा है साथ में, और इवन बिल्ड क्वालिटी के बारे में कहा है कि ये वाला जो पोर्शन है टूट जाता है? राइट, आपको कभी डर लगा है? राइट, मुझे एक्चुअली इसके दो न्यूज़ पता है, एक तो ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ से गाड़ी ब्रेक हो जाता है, राइट, और दूसरा न्यूज ये है कि गाड़ी पे आग लग जाता है, राइट, दैट इज व्हेन द बाइक गोज बियॉन्ड 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। तो इसकी गाड़ी में फीचर ऐसा है सेफ्टी का कि यू नो इस पे आ जाता है कि यू नो 40 डिग्री से ज्यादा है गाड़ी का, गाड़ी आप साइड में पार्क कर लीजिए और आप गाड़ी से थोड़ा सा दूर खड़े रह जाइए। अच्छा, ये ऐसा इसके अंदर आता है नोटिफिकेशन, तो मतलब जो भी चला रहा है उसकी सेफ्टी के लिए तो ध्यान दिया है कंपनी ने। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इन्होंने ध्यान दिया है, तो ये हो सकता है कि या तो लोग खुद से गलती कर रहे हैं इस वजह से हो रहा है, फिर फॉल्टी गाड़ियां थोड़ी बहुत डिलीवर कर दी गई ओला की तरफ। तो बताइए आपका जो डिलीवरी का सीन था ऋषभ जी, वो आप थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? राइट, एक्चुअली सरप्राइजिंग था थोड़ा सा डिलीवरी का इसका। गाड़ी मैंने बुक किया था एक सैटरडे इवनिंग को जी। और मुझे मंडे मॉर्निंग को कॉल आ गया था ओला से कि आपका गाड़ी पुणे पहुंच गया है और आपको 2 दिन में डिलीवरी मिल जाएगा। 2 दिन के बदले उन्होंने 1 दिन में ही डिलीवरी कर दी, तो मेरा बुकिंग से लेके गाड़ी मेरे हाथ में आने तक 3 दिन का टाइम था। आपको बिल्कुल भी वेटिंग नहीं करनी? बिल्कुल भी वेटिंग नहीं करना पड़ा, विच वॉज वेरी शॉकिंग टू मी। और मैंने इसका ट्विटर पे भी ट्वीट्स वगैरह डाले हैं कि यू नो इसका 3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर मुझे गाड़ी डिलीवरी वगैरह मिल गया, सेटअप इंस्टॉलेशन सब करके मिल गया था। अच्छा, और उन्होंने घर पर लाकर गाड़ी दे दिया? घर पे गाड़ी लाके दे दिया था, मुझे कहीं पे जाना नहीं पड़ा, घर पे बैठे बैठे फोन पे कर लिया। अच्छा, सो ऋषभ जी आपके पास ओला है तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि कितना दिन हो गया आपने पेट्रोल पंप का मुंह नहीं देखा है? आई थिंक टू व्हीलर के साथ मैंने तो करीबन 4 से 5 महीने हो गए, मैंने इसको कभी पेट्रोल पंप पे जाने की जरूरत ही पड़ी नहीं मुझे, तो कभी उधर का यू नो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो धन्यवाद देना चाहूंगा ऋषभ जी का कि आप चैनल पर आए, आपने अपनी चीजें शेयर करी। राइट दोस्तों, आई होप आपको भी वीडियो पसंद आएगा और काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितने भी लोग ओला लेना चाहते हैं या ओला ओनर्स उनके साथ शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर
बैटरी से संबंधित भी आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद ऋषभ जी। यस, थैंक यू, बाय।